आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गई प्रभु। अपने पापों के कारण मैं आपसे चाहे कितनी भी क्षमा याचना करूं कम है प्रभु, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। पुत्री वृंदा, संसार के हित के लिए तुमने स्वयं को दंड दे दिया, अब तुम मुक्ति की अधिकारी हो। धन्यवाद प्रभु। क्षमाशील है, महान है नारायण, आपको शत शत नमन मामा जी। मूषक जी चलिए अब शीघ्रता कीजिए, हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना चाहिए। जी प्रभु। बस कुछ ही क्षण बाद यह दुष्ट पुनः उठ खड़ा होगा। आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री। पुत्र गणेश, तुम कुशल तो हो ना? और वृंदा? मैं भी कुशल हूँ माँ, और वृंदा जी भी। मामा जी ने स्वयं उन्हें उचित मार्ग जो दिखाया है ना मामा जी? महादेव, जलंधर अब पुनः जीवित नहीं होगा, क्योंकि मैंने वृंदा को वरदान दिया था कि जब तक वो जीवित है उसका पति मृत्यु से सुरक्षित रहेगा। परंतु गणेश के कारण मैंने वृंदा को मोक्ष प्रदान कर दिया है। जलंधर अब मृत्यु के मुख में जा चुका है। पिताश्री, जलंधर ने घोर पाप किए, उसके अपराध बहुत बड़े थे, किंतु अब आपने उनका विनाश कर दिया, और आपके त्रिशूल से जिसका भी वध होता है उसका अहंकार तो स्वतः ही मिट जाता है पिताश्री। महादेव, जलंधर आपकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए कदाचित आपका उसको मोक्ष प्रदान करना ही उचित होगा। महादेव, अहंकारवश मैं कितना बड़ा अपराध कर बैठा। मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ और आपको ही नहीं पहचान सका, आपके दिव्य स्वरूप में न देख सका, आपको आपके नाम से संबोधित करता रहा, यह न समझ सका कि देवाधिदेव है आप, परम ब्रह्मा महादेव है आप, जगत पिता है आप। आपसे श्रद्धा करने की मूर्खता करता रहा, किंतु आप तो दया निधान है प्रभु। इतना होने के बाद भी आपने मुझे अपने दर्शन दिए, मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। तुम मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हो जलंधर, इसलिए उसके अंधकार का प्रभाव भी था तुम पर जो बढ़ता ही गया। तुम तो स्वयं को
भगवान घोषित कर चुके थे। मति भ्रष्ट हो चुकी थी तुम्हारी, इसलिए तुमने अपनी भूल स्वीकार नहीं की और तुम्हारा विनाश हुआ। किंतु मेरे त्रिशूल के वार से तुम्हारे भीतर के अंधकार अर्थात तुम्हारे अहंकार का भी नाश हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कुमार कार्तिकेय और गणेश जी से भी क्षमा याचना करता हूं प्रभु। उन्होंने मुझे सत्य दिखाने की चेष्टा की, मुझे समझाने का प्रयास किया, किंतु अहंकारवश मैं कुछ न देख सका प्रभु। किंतु जिस पर अहंकार हावी हो सकता है वो भला सत्य कहां देख सकता है। मैंने अहंकारवश इनके साथ भी बुरा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। महादेव मुझ पर एक कृपा कीजिए, मैं आपकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ हूं तो पुनः मुझे अपने भीतर समाहित कर मुक्ति दीजिए प्रभु। जलंधर, जो तुम्हारे पापों का आधार था, तुम्हारे उस अहंकार को मैंने मिटा दिया। अब तुम्हारी आत्मा को अपने भीतर समाहित कर तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। महादेव आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने एक बार पुनः हम सभी को और इस सृष्टि को एक महान संकट से रक्षित किया। नहीं देवराज, इस संकट के टलने का, इस विजय का श्रेय तो मुझसे कहीं अधिक पुत्र गणेश को जाता है। पिताश्री, भैया और मामा जी की सहायता के बिना ये कहां संभव था। और देवराज इंद्र के साथ अन्य देवताओं ने भी हमारी योजना में पूर्ण सहयोग दिया था। सम्मिलित शक्ति और उचित युक्ति से ही हम इस संकट को पराजित कर सके। प्रथम पूज्य गणेश की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। माँ, आपके आशीर्वाद से ही तो मेरी सफलता है। पुत्र, मेरी भी यही कामना है। विघ्नहर्ता, तुम इसी प्रकार संसार के सभी विघ्न दूर करते रहो। जलंधर सृष्टि के नियमों को उलटने पर तुला था, सृष्टि का सर्वनाश करने चला था, किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, आपने उसके अंत का उपाय कर हम सभी को एक घोर महासंकट से बचा लिया। देवराज इंद्र, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया, वही किया जो धर्मोचित था। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि भैया ने भी इस कार्य में मेरी सहायता की। वे इस समय अवधि तक शांत रहे, क्रोधित नहीं हुए वो, तभी तो हमारी युक्ति सफल हो सकी। हाँ अनुज, उचित कह रहे हो, किंतु स्मरण रहे, कदाचित मेरा क्रोध अब न जागृत हो जाए। त्रिदेव, माता पार्वती, प्रथम पूज्य गणेश जी, हम सभी को अब प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवर्षि।
प्रणाम। आज्ञा अभी देवराज, ये कुछ अनुचित कर रहे हैं आप आज। मैं अनुचित कर रहा हूं? किंतु मुझे ज्ञात ही नहीं है कि मैं क्या अनुचित कर रहा हूं। देवऋषि कृपया शीघ्र बताइए क्या अनुचित हुआ है मुझसे। देवराज इंद्र, जब संकट आप पर कोई छाता है तो प्रथम स्मरण आपको महादेव और प्रथम पूजनीय गणेश जी का ही आता है। तत्पश्चात आप भागे हुए यहाँ आते हैं और जैसे ही गणेश जी वो संकट मिटाते हैं उसी क्षण आप पुनः लौट के भाग जाते हैं। ये परमार्थ नहीं, ये तो स्वार्थ है। देवर्षि नारद, सभी देवता यहां उपस्थित थे, परंतु आप बताइए इस संकट काल में आप कहां थे? नारायण नारायण प्रभु, मुझे इस बात का था ज्ञात कि गणेश जी उस असुर के मिटा देंगे सारे ही उत्पात। विश्वास था मुझे समस्त समस्याओं को वे करेंगे नष्ट। इसी कारण अन्य कार्यों में मैं था व्यस्त। व्यस्त? अच्छा, तो बताइए देवर्षि किस कार्य में व्यस्त है आप? अति महत्वपूर्ण कार्य था महादेव। हमारे विघ्न हरते हैं जो सदैव, उनकी उचित हो अर्चना, इसीलिए उनकी स्तुति की मैं कर रहा था रचना। देवर्षि मेरी स्तुति? प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं मायुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्ययः पठेन्नरः न चाभिघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। अद्भुत, अति सुंदर। देवर्षि मुझे आनंद आया, मैं अति प्रसन्न हुआ। ये स्तुति जिसमें मेरे 12 नाम है संकटनाशम गणेश स्त्रोतम के नाम से विख्यात होगी, और जो भी भक्त मेरे लिए ये स्तुति गाकर मेरी पूजा करेगा मैं उसे सभी विघ्नों से मुक्त कर उसके सभी दुखों का नाश करूंगा। मैं कृतार्थ हुआ प्रथम पूजनीय गणेश जी, आपका सत सत धन्यवाद। देवऋषि ये हमारा सौभाग्य है जो आपके मुख से हमें प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी की इतनी अद्भुत स्तुति सुनने को मिली, हम कृतार्थ हुए। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की जय। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र गणेश। सत्य है अनुज गणेश, तुम्हारी बुद्धि की शक्ति किसी बलशाली योद्धा के बल से भी अधिक बलवान है। भैया ये तो आपका प्रेम और आशीर्वाद है। प्रथम पूज्य गणेश जी, हम सभी को प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। प्रणाम पिताश्री। आपने मुझे स्मरण किया पिताश्री? हाँ गणेश, जलंधर का तो वध हो गया,
किंतु जो शेष है उसका भी अंत होना चाहिए। पुत्र, जलंधर के द्वारा रचित इस कैलाश का कहां कोई औचित्य है? मैं आपकी आज्ञा समझ गया पिताश्री। संसार में जो भी मिथ्या है उसका अंत होगा, तभी तो सत्य सभी के समक्ष उजागर होगा। कोई कितना भी बड़ा भ्रम उत्पन्न कर दे, किंतु सत्य तो सत्य है, और सत्य यही है कि समस्त ब्रह्मांड में महादेव एक ही हैं, और एक ही है उनका कैलाश। प्रभु, अब पुनः उस संकट के मुख में क्यों प्रवेश कर रहे हैं हम? शक जी, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? अरे प्रभु, कैसे भूल सकते हैं आप उस भयंकर स्थान को जहां मेरे ऊपर आक्रमण हुआ था? वो तो मैं अपनी गति, अपनी कुशलता से हम दोनों को यहां से सुरक्षित निकाल कर ले गया था, अन्यथा। मुझे ज्ञात है मूषक जी, किंतु अब तो देवी वृंदा को मुक्ति भी मिल चुकी है, इसीलिए अब चिंता का कोई कारण ही नहीं। उचित है प्रभु, किंतु ऐसे स्थान पर लौट कर जाने की क्या आवश्यकता है? उस मिथ्या कैलाश को नष्ट करने मूषक जी। ओह, जो आज्ञा प्रभु, शुभ कार्य में तो तनिक भी विलंब उचित नहीं। मैं आपको अति शीघ्र वहां पहुंचाऊंगा। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। मिथ्या कैलाश का जहाँ से उदय हुआ था, अंत में वो वहीं समा गया। ये कार्य तो संपन्न हुआ मूषक जी। चलिए अब कैलाश लौट चलते हैं। जी प्रभु। अब कभी कोई मिथ्या कैलाश का निर्माण करने का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा। कितना भव्य, कितना सुंदर दृश्य है। प्रतीत होता है स्वयं प्रकृति उमा ने अपना श्रृंगार आरंभ किया है, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड ने भी अपना नव श्रृंगार प्रारंभ किया है। मूषक जी, वो देखिए, ये मेघ कितनी सुंदर, कितनी मनोहर आकृतियां ले रहे हैं। प्रभु, और संपूर्ण वातावरण में इतनी मनमोहक सुगंध भी छाई हुई है। हाँ मूषक जी, ये सुगंध इन सभी नवीन पुष्पों की ही है।
अद्भुत, इतना सुंदर जलप्रपात। इतना गुंजायमान हो गया है जैसे प्रकृति ने स्वयं अपना श्रृंगार किया हो। स्वादिष्ट होगा, बहुत आनंद आएगा इसका आहार करने में। समीप थे उसके हम, तब भी अमृत कैसे भाग गया? मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक इन वृक्षों के मध्य एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। पुनः वही प्रकाश, देखा देखा तुमने, वो चमकीला प्रकाश पुनः दिखाई दिया। किसी ने हमारे आखिर का ध्यान भटकाया है, उसे वहीं जाकर दंड देना होगा। चलो। अब मैं स्वयं स्वामी के लिए ये फल लेकर जाती हूँ। ओह, तो ये है वो स्त्री जिसके कारण हमसे हमारा भोजन दूर हो गया। अब तो इनसे अवश्य ही भेंट करनी होगी। मूषक जी, संपूर्ण वातावरण कितना निर्मल, पावन, सौंदर्य से परिपूर्ण है ना आज? हाँ प्रभु, आज की यात्रा तो बड़ी आनंदमय है। मूषक जी, गति थोड़ी धीमे कीजिए, मुझे कैलाश के इस मनोहर दृश्य का आनंद लेने दीजिए। वाह प्रभु, आप मुझे सदा गति बढ़ाने को कहते हैं। आज प्रथम बार है जब आपने मुझे धीमी गति से चलने को कहा है।
आपके आनंद के लिए प्रभु, ये तो मैं बड़ी प्रसन्नता से करूंगा। आकाश में क्या था? कुछ नहीं, मात्र एक मेघ है। कोई पक्षी होगा। मूषक जी रुकिए। क्या हुआ प्रभु, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? कुछ विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे? मूषक जी, यहाँ नीचे उतरना होगा आपको। जो आज्ञा प्रभु। पुनः मुझे आभास हुआ। प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं? मूषक जी, वहाँ कैलाश के सिरे पर उस वृक्ष पर कुछ बेर दिखाई दिए मुझे। चलिए ना, माँ के लिए कुछ बेर तोड़ कर ले चलते हैं। उचित है प्रभु। कहाँ गई वो स्त्री? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन स्त्री? हृदय में फुर्ती भर दे, ऐसी पावन वायु का प्रवाह है यहाँ। अद्भुत। और स्वामी को फल खिलाने में और भी आनंद आएगा मुझे। अभूतपूर्व सौंदर्य है इस स्त्री का। असाधारण असाधारण रूप है इस देवी का। मूषक जी, माँ ये बेर पाकर प्रसन्न हो जाएंगी। मैं उन्हें अभी देकर आता हूँ। उचित है प्रभु। अद्भुत है इसका सौंदर्य। नेत्र नहीं हट रहे हैं इस देवी से। स्वामी, ध्यान से पूर्व आप ये फल ग्रहण कीजिए। अकारण तो कुछ नहीं घटता। इस घटना का भी कोई कारण तो अवश्य है। कुछ ना कुछ तो अवश्य हुआ है, अन्यथा माँ का इतना ऊंचा स्वर क्यों हुआ? कहीं ये किसी भावी संकट का संकेत तो नहीं? संकट है, अवश्य संकट है। हमें यहां से भाग निकलना चाहिए। निकल चलें। नहीं, इसने हमारा आखेट गवाया है और अब ये हमें भयभीत करने का प्रयास कर रही है। किंतु इतनी सरलता से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसे यहीं मंडराकर सताएंगे।
पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिके, क्या हुआ? तुम्हारी मुख पर ये चिंता की रेखा क्यों उभर आई? माँ, हम तो आपको लेकर ही चिंतित हैं। आप कुशल तो हैं ना? क्यों कुशल नहीं होंगी मैं? मुझे क्या हुआ है? सर्वथा कुशल हूँ मैं। चलो तुम दोनों भी शीघ्र जाओ, मैं तुम दोनों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। मेरी चिंता अभी भी दूर नहीं हुई, मैं माँ को लेकर अभी भी चिंतित हूँ। कुछ तो है जो उचित नहीं है, मुझे माँ को लेकर भैया से बात करनी ही चाहिए। भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है, आपने माँ? हाँ गणेश, चिंतित तो मैं भी हूँ, किंतु मुझे माँ को बताने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मुझे दक्षिण की ओर प्रस्थान करना ही होगा। ओह, मैं तो भैया से माँ को लेकर चिंता व्यक्त करने जा रहा था, किंतु वो तो अपनी चिंता की ही बात करने लगे। मैं भैया से बात करने का एक और प्रयास करता हूँ। भैया भैया भैया, वो बात नहीं है, मैं तो आपसे ये कहने जा रहा था कि। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिके, कहाँ रह गए तुम दोनों? माँ से कैसे कहूँ कि अब मेरा जाना आवश्यक है? भैया तो अपनी ही चिंता में डूबे हैं, फिर मैं अपनी चिंता किससे कहूँ? तोतला जी, दी माता, आप कुछ मिष्ठान का प्रबंध कीजिए। दी माता, अभी लाया। चलो पुत्रों, अब भोजन प्रारंभ करो। हाँ माँ। माँ अभी तो पूर्ण रूप से सामान्य है, फिर तब क्या हुआ था? इसके पीछे क्या कोई रहस्य है? क्या कोई संकट है जो अचानक अपना मुख उठाएगा? माँ, भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया, किंतु माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। यही मंडराएंगे हम दोनों जब तक हमें हमारा आखेट ना मिल जाए। आपने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आप सुन रही हैं ना माँ? माँ पुनः शांत हो गई। माँ क्या हुआ? माँ माँ, आप कोई उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं? उत्तर तो अवश्य प्राप्त होगा, कठोर उत्तर, मृत्यु का उत्तर प्राप्त होगा। माँ ये क्या कह रही हैं आप?
माँ, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? भोजन के स्थान से ऐसे नहीं उठते। चलो तुम दोनों अपना स्थान ग्रहण करो, मैं तुम्हारे लिए शीतल पेय का प्रबंध करती हूँ। भैया आपने भी देखा और सुना ना, ये माँ को क्या हो रहा है? गणेश, हमें भोजन समाप्त कर पिताश्री से बात करनी चाहिए। अरे माते माते, ये दीदी माते देता बनाया तीतल पे। देवी कभी तो बाहर आओगी, तब हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तोतला जी, पेय आपके हाथों से गिर भी गया तो इसमें इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं आप? कोई बात नहीं, अच्छा ही बना होगा और सबको भाएगा भी। जाइए और लेकर आइए। माता क्या कह रही थी? लक्ष्मण, तित्ता लक्ष्मण। माँ क्या हुआ? माँ उमा, प्रणाम पिताश्री। पुत्र कार्तिकेय, अब तुम्हारा दक्षिण प्रस्थान कर वहां अपने दायित्व निभाने का समय आ गया है। उमा, मुझे ज्ञात है पुत्र का जाना कितना कठिन है, किंतु कार्तिकेय कहीं नहीं जाएगा। उमा, मैंने कहा ना, कार्तिकेय अभी कहीं नहीं जाएगा। अभी वसंत उत्सव का समय निकट है। मेरी इच्छा है इस बार कैलाश में विधिवत रूप से होली का उत्सव आयोजित हो, होली का दहन हो। बस मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। पुत्र, तुम होली के उत्सव के बाद ही यहां से प्रस्थान करोगे। माँ,
माँ पिताश्री से इतने कठोर शब्दों में बात क्यों कर रही हैं? कर रही है माँ। मृत्यु को प्राप्त होगा, होगा मृत्यु को, बचेगा नहीं, नहीं बचेगा। आप सभी अभी भी यहाँ हैं? पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, भोजन समाप्त हो गया है तो तुम दोनों विश्राम करो। स्वामी आप भी, मैं आप सभी के विश्राम का प्रबंध करती हूँ। पिताश्री, माँ के इस असहज व्यवहार का क्या कारण है? मैं माँ को लेकर अत्यंत चिंतित हूँ पिताश्री। ये अचानक क्या हो जाता है उन्हें? कभी इतनी शांत और सौम्य रहती है और कभी इतनी कठोर क्यों हो जाती है? प्रभु, माता का इतना तीव्र स्वर सुनाई दिया तो देखने चले आए। प्रभु, माता कुशल तो है ना? क्या हुआ उन्हें प्रभु? कहीं चिंता का कोई कारण तो नहीं है? कुछ तो असामान्य अवश्य है। पिताश्री, ऐसा क्या देखा आपने जो आप भी विचार करने लगे? पापी असुर। अतुल, कौन था अतुल? अब तेलात में कौन था अतुल आतत्ता है? असुर, अभी जाकर अंत करता हूं उसका। पुत्र कार्तिकेय, अंत उन असुरों का हो चुका है तुम्हारी माता के द्वारा। कदाचित संपूर्ण दिवस इन असुरों से उत्पन्न संकट का आभास होता रहा है तुम्हारी माता को।
यही कारण है उनके व्यवहार के बदलने का। मां ने उचित ही किया, दुष्ट दुस्साहसी असुरों का अंत ही उचित है। असुरों का अंत हो चुका है, तब तो माँ को शांत हो जाना चाहिए था, किंतु वो तो अभी भी अशांत है। कहीं ये असुर किसी अन्य संकट का संकेत तो नहीं? पुत्र, जिस शिलाखंड के वार से तुम्हारी मां ने उन असुरों का वध किया है, वो शिलाखंड पृथ्वी पर गिरने के बाद शिवलिंग के रूप में स्थापित हुआ है। क्योंकि वो शिलाखंड एक कंदुक के रूप में था, इसलिए यह शिवलिंग कंदुकेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात होगा, जिसकी पूजा करने वालों को उसके अक्षम्य पापों से मुक्ति प्राप्त होगी। पिताश्री, संसार में जब कोई बुराई भी छाती है तो आपकी और माँ की लीला से उस बुराई का अंत संपूर्ण जगत के लिए आशीष बनकर ही उभरता है। पिताश्री को विचार में देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की अशांति के पीछे कोई और भी बड़ा कारण है, और जिसका आभास उन्हें भी है। माँ का ऐसा व्यवहार तो मात्र असुरों के कारण नहीं हो सकता, कदाचित कोई और संकट घात लगाए बैठा है। अवश्य प्राप्त होगा, कठोर उत्तर मृत्यु को प्राप्त होगा, मृत्यु को। माँ कुशल तो है ना, कदाचित मुझे जाकर देख लेना चाहिए। गणेश, क्या बात है, तुम इतने अशांत क्यों हो? तुम एकाग्र होकर ध्यान क्यों नहीं कर पा रहे हो? जब माँ शांत है तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ भैया, मुझे उनकी चिंता सता रही है। कल जैसा उनका व्यवहार था उससे स्पष्ट है कुछ तो अवश्य असहज हो रहा है उनके साथ, उनमें निरंतर परिवर्तन आता ही जा रहा है भैया। चिंता मत करो गणेश, कदाचित मुझे इसका कारण ज्ञात है। वास्तव में मां नहीं चाहती हैं कि मैं कैलाश से दूर जाऊं। कल जब पिताश्री ने मेरे प्रस्थान की बात की तो स्नेहवश मां विचलित हो उठी, किंतु अब मैं रुक गया हूं ना तो मां पुनः सहज हो जाएंगी। जो कारण भैया बता रहे हैं वो तो पुत्र के लिए मां का स्नेह है, किंतु उनका क्रोध जो रह रहकर जागृत हो रहा है उसका क्या कारण है? आओ अनुज गणेश, चिंता छोड़ो, ध्यान करते हैं। कदाचित आपका कथन सत्य ही होगा भैया, किंतु मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। माँ को देखे बिना, उनका कुशल ज्ञात किए बिना मेरी चिंता दूर नहीं हो सकती। ओम नमः शिवाय।
माँ ने तो मुझे सुना ही नहीं। माँ उत्तर क्यों नहीं दे रही है? मेरे पुकारने पर भी मुझे मुड़कर देख क्यों नहीं रही है माँ? माँ, क्या हो रहा है? ओम नमः शिवाय। माँ ने मुझे रोक क्यों दिया? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्र, जब तुम आए तब मैं अपनी पूजा संपन्न कर रही थी। अरे क्या हुआ पुत्र, तुम्हें मुझसे कोई कार्य था क्या? और अभी तो तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुत्र, तुम मुझे एक तक ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया उचित ही कह रहे थे, माँ उन्हीं के प्रस्थान को लेकर चिंतित थीं। किंतु अब तो वो पूर्ण रूप से अपने सामान्य रूप में हैं, कुशल हैं। क्रोध लेश मात्र भी नहीं है उनके मुख पर। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। माँ, मैं होली के उत्सव को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। हाँ पुत्र, और तुम्हें उत्साहित होना भी चाहिए। इस बार हम बड़ी धूमधाम से कैलाश में होली का उत्सव मनाएंगे, और मेरी इच्छा है कि हम सभी को आमंत्रित कर उन्हें कैलाश में रंगोत्सव के लिए बुलाएं। अवश्य माँ। मेरे दोनों पुत्र मेरे साथ हैं। गणेश और कार्तिकेय से ही तो कैलाश की शोभा बढ़ती है। हाँ माँ, भैया तो है ही, किंतु मेरे कैलाश में होने से यहाँ कैलाश की शोभा सत्य में अद्भुत रहती है ना माँ? क्या हुआ माँ, क्या ढूंढने लगी आप? पुत्र, नंदी जी अभी फल तोड़कर यहाँ लाए थे, कदाचित मैंने उन्हें रसोई घर में रख दिया होगा। मैं अभी लेकर आती हूँ, फिर मुझे पूजा भी प्रारंभ करनी है। माँ रुकिए, माँ आप कष्ट क्यों कर रही हैं? आप यहीं रुकिए, मैं फल लेकर आता हूँ। मैं अभी गया और अभी आया। माँ तो पूर्ण रूप से कुशल है, भैया और पिताश्री उचित कह रहे थे, मैं अकारण ही चिंता कर रहा था। देखा माँ, मैंने कहा था ना, मैं अभी गया और अभी आया। माँ, माँ तो अभी यहीं थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? माँ, तोतला जी, आपने माँ को देखा क्या? नहीं, मैंने तो माता तो नहीं देता दनेद्दी। नंदी जी,
आपने माँ को कहीं देखा क्या? गणेश जी, माता तो इस समय पूजा कक्ष में ही होती हैं, वो वही होंगी। अब कहाँ ढूंढूं माँ को? माँ, माँ तो जलाभिषेक के लिए मानसरोवर से जल लेने जा रही है। जल भरने पर तो कलश भारी हो जाएगा। मैं जाकर माँ की सहायता करता हूँ। अचानक ये धुंध कहाँ से उत्पन्न हो गई? और ये धुंध मेरे और माँ के मध्य क्यों आ रही है? और माँ रुक क्यों नहीं रही है? माँ रुकिए ना, मैं भी आ रहा हूँ। इस धुंध का प्रभाव तो और भी गहरा होता जा रहा है। मुझे शीघ्र माँ तक पहुँचना होगा। कदाचित माँ को पुकारने का कोई लाभ नहीं, मुझे बस उन तक पहुंचना चाहिए। माँ, ये कैसी ऊर्जा प्रवाहित हुई माँ के भीतर से? माता, आप इतना भारी कलश उठाकर लाने का कष्ट क्यों कर रही हैं? दीजिए, मुझे दीजिए। नंदी जी, शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए जल तो मैं स्वयं ही लाती हूँ। आप और अन्य गण यदि मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप होलिका दहन की पूजा की तैयारियां प्रारंभ कीजिए। इस बार उत्सव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो आज्ञा माता, उचित रहेगा। माता, मुझे स्मरण हो आया, गणेश जी आपको ढूंढ रहे थे। कदाचित वो आपके पीछे पीछे भी गए थे। पुत्र गणेश, किंतु मैंने तो उसे लौटते समय नहीं देखा। कोई बात नहीं, आप अपनी पूजा पूर्ण कीजिए। वो यहीं कहीं होंगे। मैं उन्हें शीघ्र ढूंढकर आपके पास भेजता हूँ। स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? मैं गणेश की चिंता समझ सकती हूँ, क्योंकि स्वयं मैं भी चिंतित हूँ। हाँ प्रिय, गणेश का चिंता करना स्वाभाविक है, क्योंकि देवी पार्वती में आने वाले परिवर्तन किसी बड़ी घटना का संकेत हैं। बड़ी घटना? कैसी बड़ी घटना स्वामी? अब ऐसा क्या होने वाला है? जगत जननी की लीला को समझ पाना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, किंतु इतना स्पष्ट है कि शीघ्र ही हम जगत जननी के एक बड़े अवतार से परिचित होने वाले हैं। संसार को एक बड़े संकट से टालने के लिए जगत जननी के एक बड़े अवतार का आविर्भाव होने वाला है। सत्य कहा स्वामी आपने,
जगत जननी जो भी करेंगी उचित ही करेंगी। किंतु कल होली का अवसर है। देवी पार्वती की लीला के पूर्व हमें कैलाश में होली देखने को अवश्य मिलेगी, और वो भी इतने लंबे अंतराल के बाद। तोतला जी क्या कर रहे हैं आप? आप ये सूखे पत्ते क्यों उठा रहे हैं? अरे तोतला जी, सूखे पत्ते नहीं, सूखी लकड़ियां और सूखी टहनियां उठाइए। तोतला जी स्मरण रहे, माता ने सभी तैयारियों का प्रबंध मुझ पर छोड़ा है, इसलिए सब कुछ सर्वथा उचित होना चाहिए। अब मुंह क्या देख रहे हैं आप? छोड़िए इन पत्तों को, उठाइए कुछ टहनियां। तीते 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 ये ले दे। तोल दिया। तोतला जी आप क्या कर रहे हैं? सारे पत्ते मेरे ऊपर डाल दिए। मुझे ज्ञात है सब कुछ, आप जानबूझ के कर। अरे शांत शांत शांत, तो क्या बालकों के समान लड़ने लगे आप दोनों? माता ने हमें एक कार्य सौंपा है और हमें उसे उचित प्रकार से करना है, उसी पर ध्यान दीजिए आप दोनों। चलिए आप सभी ये क्या कर रहे हैं? गणेश जी, हम होलिका दहन के लिए लकड़ियां एकत्रित कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद कैलाश पर होली का उत्सव मनाया जाएगा। पिछले कई वर्षों से कैलाश से दूर रहने पर विवश थी माता पार्वती। माता कैलाश पर ना रहे तो कैलाश से सब रंग दूर हो जाते हैं, नीरस हो जाता है कैलाश। इसीलिए महादेव ने भी माता के यहाँ ना होने पर होली का उत्सव नहीं मनाया। इस बार उत्सव होगा जिसको लेकर हम सभी गण अति आनंदित हैं। जी ने उचित ही कहा, माता कैलाश से दूर होती है तो कैलाश से सभी रंग दूर हो जाते हैं, नीरस हो जाता है कैलाश। कहीं ऐसा तो नहीं कि माता पुनः कैलाश से कहीं दूर जाने वाली है? मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, किसी अज्ञात अनिष्ट की आशंका मुझे चिंतित कर रही है। क्या हो रहा है ये माँ को? मैं विश्वास तो नहीं करना चाहता, किंतु मुझे आभास अवश्य हो रहा है कि ये किसी बड़े संकट का ही संकेत तो नहीं। बहुत आनंद आएगा कैलाश में होली के इस उत्सव में। स्वादिष्ट भोजन होंगे और सभी गंधर्व मित्र एक साथ एकत्रित होंगे, और इस बार तो गायन स्पर्धा मैं अवश्य ही जीतूंगा, और इसके लिए मैंने एक नवीन राग की रचना भी की है। कोई टिक नहीं सकेगा मेरे समक्ष, देख लेना। अच्छा तो हमें भी सुना दो अपना राग। हाँ, अगर हमें भाग गया तो विजय हो गए समझो, सुनाओ। चलो ठीक है, यदि आप सब कह ही रहे हो तो मैं सुना ही देता हूँ। हाँ, 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 सुनाओ ना अपना राग हमें। हाँ हाँ सुनाओ, सुनाओ अपना राग हमें। किसका स्वर है ये?
किसने मेरा ध्यान भंग किया? अरे ये क्या आ रहा है? ये क्या क्या आ रहा है? इससे अपनी रक्षा कैसे करेंगे हम? ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। कौन है यहाँ पे शत्रु? किसने किया है हम पर आक्रमण? ऋषि दुर्वासा, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? भागो, अन्यथा मेरे शाप के भागी बनोगे। भागो, 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 भागो। तोतला जी, आंधी, मैं जौ ले आया हूँ, परंतु आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्या तल रहा हूँ? अरे क्या उतले आप? अरे मैं उतले लदा रहा हूँ उतले, और ये तो तादालन ताले नहीं है, तलल ताले नहीं है। क्या 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 क्या? तुपले, तरल, ये कह क्या रहे हैं आप? होलिका दहन की तैयारी करने के लिए कहा था ना आपसे। अरे नंदी जी, तोतला जी कह रहे हैं कि ये उपले लगा रहे हैं, ये कोई सलरकार नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ। उचित है, उचित है। वैसे इनको समझना भी सरल कार्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा नंदी जी। तोतला जी, हमारे पास अधिक समय नहीं है, तो कृपया करके अपना कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम महादेव। नंदी जी, आपने तो बहुत उत्तम व्यवस्था की है, मन प्रसन्न हो गया। धन्यवाद माता। उमा, पूजा प्रारंभ करो। अवश्य स्वामी, किंतु पुत्र गणेश कहाँ है? भविष्य में ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसके कारण मुझे माता के काली रूप के दर्शन हुए? पुत्र गणेश, पिताश्री आप? मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम्हारे मन में कोई चिंता है। कहो पुत्र, जो भी तुम्हारे मन में है निसंकोच कहो। पिताश्री, मेरी चिंता का कारण तो आपको भी ज्ञात है। कुछ समय से माँ बहुत असहज रही है, और आज जब माँ मानसरोवर से जल लेने गई थी तो मैं उनके पीछे ही था, और तब मैंने देखा पिताश्री की
माँ को ये क्या हो रहा है पिताश्री? समय का चक्र सदैव नियति द्वारा निर्धारित गति पर गतिमान रहता है, जिसके कारण समय समय पर जगत कल्याण के लिए हम सभी की एक अद्भुत लीला होती ही रहती है। और मुझे प्रतीत हो रहा है अब तुम्हारी माँ की भी एक अन्य लीला का समय आ गया है। लीला? समय आ गया है? हाँ पुत्र, समय आ गया है पार्वती के सबसे महान श्री महाकाली अवतार के आविर्भाव का। श्री महाकाली अवतार? हाँ पुत्र, संसार में जो भी घटता है उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। असाधारण परिस्थितियों में भी असाधारण उपाय आवश्यक हो जाते हैं। तुम्हारी माता आदिशक्ति जगत जननी पार्वती के श्री महाकाली रूप में अवतरित होने का भी एक महान उद्देश्य है। तो इसलिए पुत्र, जो हो रहा है हमें वो होने देना होगा। हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि ये सब लोक और जन कल्याण के लिए ही होने वाला है। इसलिए अब मेरे साथ आओ पुत्र। तुम्हारी माता होलिका दहन की पूजा प्रारंभ करने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जो होगा वो उचित ही होगा, किंतु अभी तो होली के उत्सव का आनंद लेना चाहिए मुझे। चलो पुत्र। ओम महागणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिताश्री, होलिका तो हिरण्यकश्यपु की बहन थी ना, जिसके कहने पर वो भक्त प्रहलाद को अपने अंक में लेकर जलती चिता में बैठ गई थी। हाँ पुत्र, होलिका दहन की प्रथा तभी से आरंभ हुई, भक्ति और विश्वास के महत्व को उजागर करती है ये प्रथा। भक्त प्रहलाद की भक्ति अपने ईष्ट के प्रति इतनी अटूट थी, इसलिए प्रहलाद को अग्नि से कोई हानि नहीं हुई। वहीं होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसके अंग वस्त्र को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगी, किंतु समय आने पर उसके अंग वस्त्र ने प्रहलाद की रक्षा की और बुराई की प्रतीक होलिका भस्म हो गई। होलिका दहन का समय हो गया है पुत्र कार्तिके, होलिका को अग्नि तुम दोगे। जो आज्ञा मां। आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, होलिका दहन का विधान तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। होलिका की चिता प्रज्वलित होना सभी बुराइयों के अंत का प्रतीक है। बुरे कर्म, बुरे विचार और बुरे व्यक्ति सभी होलिका दहन के साथ पराजित हो जाते हैं और विजय मात्र अच्छाई की ही होती है। इसलिए होलिका दहन जीवन में नवीन आरंभ का भी प्रतीक है। पुत्र कार्तिकेय, अब होलिका को अग्नि दो। पुत्र कार्तिके, पुत्र गणेश, गेहूं, जौ और सरसों को अपने हाथों में लो। स्वामी, आप भी इसे अपने हाथों में लीजिए और अग्नि में अर्पण कीजिए।
नंदी, स्वयं को रोको मत। तुम्हारी इच्छा नृत्य करने की है तो तुम भी कर सकते हो। जो आज्ञा महादेव, मैं भी करता हूँ। हर हर महादेव, होली है। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। इतना दुस्साहस इस वृक्ष का अपनी ध्वनि से मेरे ध्यान को भंग कर रहा है। कितना सुंदर दृश्य है ये, सभी कितने आनंदित हैं। अरे माँ वो देखिए, अरे गणेश माँ। अरे अरे रे गणेश, ये क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ खींच रहे हो। आइए ना भैया, कितना आनंद आ रहा है, आइए ना। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा। नाथ, ये पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश की प्रथम होली है और वो भली भांति इसका आनंद भी उठा रहे हैं। उमा, मेरी दृष्टि तो तुम पर ही टिकी है, क्योंकि अपने पुत्र को होली का उत्सव मनाते देखते हुए तुम कितनी आनंदित दिख रही हो। आनंद का संचार हो रहा है इस होली में। माँ कितनी अच्छी लग रही हैं, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। काली के रूप में मैंने कहा था ना पुत्र, संसार में जो भी होता है उसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होता है। यदि तुम्हें अपनी माँ में देवी महाकाली की छवि दिखाई दे रही है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है पुत्र। जी पिताश्री, चिंता नहीं करूंगा मैं। माँ के श्री महाकाली के रूप में प्रकट होना अवश्य ही बहुत बड़ी लीला का संकेत है। अनुज गणेश, ये क्या, तुमने मुझे, नंदी जी और अन्य गणों को परिक्रमा के लिए प्रेरित किया और स्वयं यहाँ जड़ होकर खड़े हो गए। कोई बात नहीं, आओ, माँ बुला रही हैं।
माँ भी होली का आनंद ले रही है। आज होलिका दहन की पूजा है, कल रंगोत्सव होगा। रंगोत्सव? उसमें तो और भी आनंद आएगा। कैलाश के इस रंगोत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित करने, पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश के साथ नंदी जी और अन्य गण भी जाएंगे। माँ, हम तो झूमटा निकाल कर झूमते हुए जाएंगे और इसमें तो मुझे बहुत आनंद आएगा। गणेश, देवी देवताओं को आमंत्रित करना गंभीर कार्य है, इसमें हमें विधिवत शिष्टाचार का पालन करना होगा। ओहो भैया, हम देवताओं को यहाँ युद्धोत्सव का नहीं रंगोत्सव का निमंत्रण देने जा रहे हैं, तो वो भी आनंददायक ही होना चाहिए ना, और अद्भुत भी मेरे समान। गणेश तो आनंद के रंग में ही रंगा हुआ है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अनुमति हो तो मैं कुछ सुझाऊं? अवश्य नंदी जी। प्रथम पूज्य यदि सभी को आनंद मग्न करना चाहते हैं तो वही होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। होली है। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभु हर हर महादेव। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। गणेश जी की टोली, ओ देखो ओ देखो 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 देखो, गणेश जी की टोली लेके आमंत्रण की ये छोरी छोरी। देखो आई गणेश जी की टोली। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। नाथ, आपने ये गीत के स्वर सुने? कौन गा रहा है ये? तुम्हारे दोनों भांजे प्रिय, दोनों यहाँ आ रहे हैं और आनंद मनाते हुए, और नटखट गणेश के मन से मैं तो भली भांति परिचित हूँ। कदाचित मुझे मेरे शंख का ध्यान रखना होगा, अन्यथा पूर्व की भांति कहीं गणेश मेरा शंख ही चुरा कर ना ले जाए। गजानंद वैकुंठ। प्रणाम मामा जी, प्रणाम मामी जी। पहुँचे गजानंद वैकुंठ द्वारे, शेष नाग पर विष्णु विराजे। माँ लक्ष्मी भाव विभोरी,
उत्सव में सम्मिलित होने आएंगे ना? अवश्य। होली है! होली है! ऐसा क्या उत्सव है जिसके कारण बार बार मेरे ध्यान में विघ्न डाला जा रहा है? बस बहुत हुआ, क्योंकि अब जो होगा उसका परिणाम भुगतने के लिए प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आपके इस रंग भरे आगमन से मैं अचंभित हूँ और आनंदित भी। देवराज, माता शची और सभी देवगण, आप सभी हमारे साथ होली के रंगों का उत्सव मनाने आएंगे ना? निसंदेह। अवश्य 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 अवश्य। होली है! हर हर महादेव! महादेव, माता पार्वती और आप दोनों के संग कैलाश पर होली मनाना, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। गणेश जी, हम अवश्य आएंगे। होली है! होली है! ऊर्जा दीप्त ये दिन कर की ऊर्जा निराली, विश्व समस्त में भय उजियारी, सप्तश्वो की हो, सप्तश्वों की सवारी, कैलाश में आई है गण की टोली। सूर्यदेव, माता संज्ञा, आपको हम होली के उत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं। आप हमारे साथ होली के रंगों का उत्सव मनाने आएंगे ना? अवश्य। होली है! होली है! शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शीतल शशि भोले, शशि भोले शीश पे साजे, पूनम अमावस निशा आप लावे, रूप पे जाऊं बलिहारी, कैलाश में आई है गण की टोली। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। होली है! कौन मेरे तप क्षेत्र में कोलाहल करने का दुस्साहस कर रहा है? कदाचित मेरे क्रोध और शाप का भय नहीं, होली है। आज तो होली है, रंगों का उत्सव, आज तो बहुत आनंद आएगा। हर हर महादेव! गणेश, होली की शुभकामनाएं। अनुज, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया भैया, आज तो आनंद के रंगों की बौछार होगी कैलाश पर। चलिए पिताश्री का अभिवादन कर उन्हें भी होली की शुभकामनाएं दे दें और उनसे आशीर्वाद भी ले लें। हाँ हाँ अनुज, अवश्य। वो तो व्यस्त भी होंगे, इतने अतिथि जो आने वाले हैं, हमें तो जाकर उनकी सहायता भी करनी चाहिए। हाँ भैया। ये क्या भैया, आज होली के दिवस भी पिताश्री ध्यान में ही लीन है। इतने अतिथि आने वाले हैं यहाँ कैलाश पर, फिर भी पिताश्री ध्यान मग्न है। गणेश, वहाँ माँ अकेली सारी व्यवस्थाएं कर रही होंगी,
हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हाँ भैया। अरे माँ भी यही है, वो भी पूजा कर रही है। पिताश्री उधर ध्यान में है और माँ इधर पूजा में, तो यहाँ व्यवस्था कौन कर रहा है? अतिथियों का सत्कार कैसे होगा भैया? कैलाश में होली का उत्सव भली भांति कैसे संपन्न होगा? अब हम क्या करें भैया? गणेश, मुझे तो पूर्व में ही आभास था कि ऐसा ही कुछ होगा। ना पिताश्री अपना ध्यान छोड़ सकते हैं और ना माँ अपनी पूजा। किंतु तुम चिंता मत करो, मैंने पूर्व में ही सभी कार्यों की एक सूची बना ली थी। सेनापति जो है भैया, सब कुछ सोच समझ कर ही कार्य करते हैं। अरे वाह भैया, ये तो अति उत्तम है। ये मत भूलो गणेश, अग्रज हूँ तुम्हारा, मैं ही तुम्हें सभी कार्यों में आगे रहने का अवसर देता हूँ। ये तो सर्वथा सत्य है भैया कि आप अग्रज हैं मेरे, आपकी योग्यता पर भला किसको संदेह हो सकता है। अच्छा चलो, अब आगे की व्यवस्था करते हैं। इस सूची में सर्वप्रथम है भोजन। भोजन, उचित है। भोजन की व्यवस्था तो अति उत्तम है। भोजन तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इतने स्वादिष्ट मोदक, भोजन की व्यवस्था तो अति उत्तम है भैया। सुन जी, अरे नहीं नहीं गणेश, अभी और भी कार्य करने हैं, अभी थोड़ा धीरज रखो, भोजन बाद में, अभी तो हमें कैलाश को सज्जित करना है। अति उत्तम नंदी जी। गण जी ये क्या, अभी तक आपने इन दीपकों को प्रज्वलित नहीं किया, अतिथि किसी भी क्षण आते ही होंगे, शीघ्रता कीजिए आइए। अति उत्तम श्रृंगी जी, किंतु इन शिलाखंडों को भी फूलों से सज्जित कर दीजिए। अवश्य। उचित है, सज्जा सर्वथा उचित है। गणेश, सभी अतिथियों का आगमन यहीं से होगा, इसीलिए उनके स्वागत के लिए किसी को तो यहां रहना ही होगा। और क्योंकि सभी को आमंत्रित हमने ही किया है, तो उनके स्वागत का भी दायित्व तो हमारा ही है ना? ये तो उचित है भैया, किंतु रंगोत्सव के अवसर पर स्वागत भी तो रंगों के साथ ही होना चाहिए ना? उचित है। किंतु भैया, इस घुंघरू की ध्वनि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ किसी देवी का आगमन हो रहा है, ऐसे में तो हम उन पर रंग कैसे डाल सकते हैं भैया? गणेश, देवी का नहीं, घुंघरू का स्वर है ये, जो तोतला जी कर रहे हैं। उनका कोई विशेष कार्य कर रहे हैं वो, हमें भी अपना कार्य नहीं करना चाहिए क्या? अरे गण जी, ये क्या कर रहे हैं आप, शीघ्रता कीजिए, अतिथि आते ही होंगे।
गणेश। ये गणेश कहाँ चला गया? ओले मैं यदि तंदा ही ना हो तो त्या आनंद ये ताल ले तो मैं ही तलूंगा। तब ते बत्ती बात नहीं है, तंदा दिया। तो बली आती है। ये दया दुल एक बाल मीता देख लेता हूँ, उते नहीं माता ने ताता ताला ताल उत्तम होना चाहिए। तुम्हारी तंदाई तो अति उत्तम होना चाहिए। मॉल बम ओला था मीता था मैं ओला दूल ओल मिलाना होता। उन्हें पीकल देता हूं, मीता तो तीत है ना। आप ठीक है, बहुत अच्छे। तोतला जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तोतला जी इधर। ओ बहुत अच्छा धनेदी, मेरे पाती आले। मैं धनेदी तो भी तता लेता हूँ, देता हूँ उन्हें मेली बनाई तंदाई अति लगती है तेरे। तोतला जी ये सब धनदी आप लुटिए, मैं आता हूँ लुटिए। ये क्या कर रहे हैं तोतला जी? ये कर क्या रहे हैं तोतला जी? मुदा तंबल तो तलना होता। ये क्या हो गया इन्हें? बोलना हिलना नहीं। अरे अरे तोतला जी, अरे अरे संभालिए। देता तो नहीं दी, मैंने एक बूंद भी धंधा ही नहीं दिलने दी। मैं धंधा बनाना था, आप भी तत्ते दे थी। ततुल दतिया चितिया ततुल अत्ता धंधा ही ततनी है तो ये ताल ताल धंधे दियो दे। पन मेरे पास तो ये थी पातल है, तालों तो तेते दूं। दीजिए ना तोतला जी, आप रुक क्यों गए? ओ तेते आप तो ले दिए, ते तवी ते लिए भी लाता हूं। ताल ताल आप वाह धनंद दे। आपते लिए तो मैं भी तो तुलबुद हो दिया। आपती लीला हमें आले है। ये तब आपती लीला है धनेदी। ये सब मेरी नहीं, इस ठंडाई की लीला है तोतला जी। अति उत्तम बनी है तोतला जी, ये अति उत्तम। गणेश तुम अभी भी भीतर क्या कर रहे हो? मामा जी, मामी जी, फूफा जी, बुआ जी सभी आ रहे हैं। चलो शीघ्रता करो, आओ उनके स्वागत के लिए। अरे वाह, अतिथियों का आगमन भी हो रहा है, अर्थात रंगोत्सव प्रारंभ होने वाला है। मैं आ रहा हूँ भैया। उचित है, आप ठंडाई बनाते रहिए तोतला जी। ये लीजिए। हाँ दी। आप नितिन लाइए, मैं ठंडाई बनाता हूँ।
वैसे इंद्रदेव, हम सब का यहाँ आने का और साथ में कैलाश चलने का विचार अति उत्तम है। सूर्यदेव चलेंगे तो तब ना, जब ये देवियां बाहर आएंगी। इन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि हमें विलंब हो रहा है और वहां वो उत्सव प्रारंभ होने ही वाला है। स्वामी, आप सब इतना शीघ्र क्यों आ गई? थोड़ा सा और समय लगाती। स्वामी, आप सभी देवता ये कब समझेंगे कि हम देवियों को थोड़ा अधिक समय लगता है तैयार होने में। किंतु उस विलंब का परिणाम भी सुंदर ही होता है। चंद्रदेव, चंद्रदेव, आपके सौंदर्य दर्शन पूर्ण हो चुके हो तो हम प्रस्थान कर लें? हाँ हाँ अनुज, चलो। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, ये तुम दोनों की प्रथम होली है, इसीलिए सर्वप्रथम रंगोत्सव का आरंभ तो तुम्हें मुझसे ही करना चाहिए। अवश्य माँ। गुलाल के रंगों की तरह तुम दोनों का जीवन भी हर्ष के सभी रंगों से भर जाए। तुम्हारे भाग्य और भविष्य उज्जवल हो। संसार में तुम दोनों की प्रतिष्ठा सदा स्थापित रहे, यही मेरा आशीर्वाद है पुत्रों। पिताश्री, कल्याण हो पुत्रों। रंगों के इस पर्व में मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जीवन में सभी रंगों को समान रूप से स्वीकार करो और सभी के जीवन को सुखों से भर दो। प्रणाम माता।
प्रणाम प्रभु। माता श्री नारायण और माता लक्ष्मी पधार रहे हैं। अरे तब तो हमें जाना चाहिए, उनका स्वागत तो हमें ही करना है ना भैया, ठीक उसी प्रकार जैसा हमने सोचा है। हाँ हाँ अनुज चलो। उमा क्या हुआ नाथ? उमा तुम कुछ भूल रही हो। मैं तो कुछ नहीं भूली नाथ। अच्छा मुझे गुलाल लगाना नहीं भूली? नहीं स्वामी, मैंने तो आपका तिलक कर दिया है। शिवलिंग का तिलक तो आप ही का तिलक हुआ ना नाथ। आनंद के इन पलों के पश्चात तो एक दीर्घ तपस्या है। देवगण बहुत विलंब हो चुका है, हमें गति बढ़ाकर शीघ्र पहुंचना चाहिए। रावत वेग बढ़ाओ अपना। स्वामी इतनी भी तीव्र गति की क्या आवश्यकता है, हम ऐसे भी कैलाश पहुंच जाएंगे। देवी शची आप भयभीत मत होइए, देवराज इंद्र के होते आपको कुछ नहीं होगा, आप बस अपना संतुलन बनाए रखो। रावत देवगन पर्दा में आप सभी पीछे छूट गए हैं, कदाचित आपको अपने अपने वाहन उत्तम करने की आवश्यकता है। इंद्रदेव पीछे मत देखिए, मार्ग में सदैव आगे देखकर चलना चाहिए, अन्यथा असावधानी हो जाएगी। ये दुर्वासा यहाँ? रावत ये अचानक इंद्रदेव को क्या हो गया? रुक जाइए सभी, रुकिए। अमरनाथ हम रुक क्यों गए? ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा जी और मामी जी। प्रणाम भ्राता नारायण।
प्रणाम देवी लक्ष्मी, होली के शुभ अवसर पर कैलाश में आप दोनों का स्वागत है। प्रणाम देवी पार्वती, हम भी यहाँ आकर अति आनंदित हुए। क्या हुआ नाथ, हम यहाँ रुक क्यों गए और आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? देवी शची ये ऋषि दुर्वासा है, जब ये अपने क्रोध के आवेग में बहते हैं तो जब तक किसी को श्राप नहीं दे देते शांत नहीं होते, और उनका क्रोध कब और किस बात पर जागृत हो जाए ये किसी को ज्ञात नहीं। हाँ, इस समय भी वो ध्यान में मग्न है। हमें कैलाश पर जाने के लिए उनके स्थान से होकर जाना पड़ेगा, इसमें उनका ध्यान भंग हुआ तो वो अवश्य क्रोधित हो उठेंगे और फिर हम सभी उनके शाप के भागी बनेंगे। आइए, तो अपने मामा जी के लिए ये योजना थी इन दोनों की। राता नारायण इस प्रकार शांत क्यों खड़े हो गए? रुकिए आप सभी, ये उचित नहीं हुआ, ऋषिवर का ध्यान भंग हो ही गया। अब कहीं ऋषिवर के मुख से हमारे लिए शाप न निकले। अब जो भी होगा उसका परिणाम हमें भुगतना ही होगा। मामा जी क्रोधित हो गए क्या? कहीं हम उनके साथ अपनी सीमा तो नहीं लांग गए? हमें उसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। मामा जी। गणेश, कार्तिकेय, क्या अतिथियों का स्वागत ऐसे किया जाता है? स्वामी, कहीं गणेश और कार्तिकेय से क्रोधित तो नहीं? पिताश्री का क्रोध कहीं भयंकर रूप ना ले ले। पिताश्री का क्रोध कहीं रंग के उत्सव में भंग का उत्सव ना हो जाए।